हे देव वेलकम टू सीरीज ऑफ़ तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री एंड वी आर लर्निंग क्लास एट हिस्ट्री सो आई एम कंचन एंड आई हैव रॉड दिस लेसन फॉर यू तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके रूल के बारे में उसका एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पढ़ पर रहे हैं उसके रूल का 1773 से लेके 1857 वाला ओके तो क्योंकि इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स हैं लॉज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे इस टाइम पे काफ़ी न्यू लॉज आए थे रिफॉर्म्स आए थे तो इन सब के बारे में इसलिए हम इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंडर पढ़ रहे हैं तो लास्ट चैप्टर में हमने गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स जो थे उनके बारे में पढ़ा उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा तो ये जो टाइम है आपका इसमें आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नर जनरल आए थे उन्होंने बहुत से अलग अलग लॉज लाए थे और काफ़ी ज़्यादा रिफ़ॉर्म्स किए थे तो इस चैप्टर में ये जो सीरीज़ चल रही है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1773 से लेके 1857 वाली तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे गवर्नर जनरल आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं और काफ़ी रिफ़ॉर्म्स करते हैं तो जैसे लास्ट चैप्टर में हमने वॉरन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में हम लॉर्ड वार्न लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे तो वॉर हेस्टिंग्स का टाइमलाइन था 1772 से लेके 1785 ओके और लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम है 1786 से लेके 1793 साथ ही साथ इस सीरीज़ में हम जो बैकग्राउंड में वॉर्स चलती रहती हैं ब्रिटिशर्स की प्रिंसली स्टेट्स के साथ उनको भी पढ़ेंगे तो लास्ट चैप्टर में हमने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में देखा और फर्स्ट जो हमारा एंग्लो मराठा वॉर है उसके बारे में देखा ओके okay. सो so, इस चैप्टर में भी ऐसी बैकग्राउंड में कुछ वर्ड्स होंगी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे सो so, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर दोस्त हु आर न्यू इन दिस चैनल तो अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या फिर जितनी भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में वीडियोस आती है उनकी अगर पीडीएफ चाहिए ये एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ओके okay, और यू पी पी एस रिलेटेड टेस्ट सीरीज और जी एस मटीरियल आपको मिल जाएगा तो आप इसके लिए भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं काफ़ी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी मटीरियल स्टडी मटीरियल प्रोवाइडेड है फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी है इन सब से रिलेटेड पेड ग्रुप से रिलेटेड तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है सो so, स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपको ये लेसन पसंद आए ठीक है अगर ये लेसन हेल्प करे आपकी नॉलेज बढ़ाने में देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन ओके सो हम पढ़ रहे हैं अबाउट लॉर्ड कॉर्नवेलिस इनका टाइमलाइन है 1786 एडी से लेके 1793 एडी सो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जैसा कि हम हर चैप्टर में डिस्कस करते हैं तो एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनके आंसर आप इस चैप्टर के लास्ट में देंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्म बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन ए 1786 बी 1787 या सी 1788 तो जैसे लास्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन था वहाँ पे हमने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा था तो ये क्वेश्चन आया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल कब बने थे ठीक है आप लोगों में से बहुत लोगों को ये याद होगा और जो पहली बार ये चैप्टर देख रहे हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स से उनका अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर जनरल हुआ था सेवनटीन में ओके सो अब आपको इस चैप्टर में ये भी ध्यान रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस गवर्नर जनरल बंगाल के कब बने थे सेकेंड क्वेश्चन है ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू अटैक्ड डैश हिंदू स्टेट इन साउथ इंडिया तो हमने लास्ट चैप्टर में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा था अब इस चैप्टर में आप थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ेंगे एंड आपको ये पता लगाना है कि टीपू ने कौन से हिंदू स्टेट को जो कि साउथ इंडिया के कौन से हिंदू स्टेट को अटैक किया था ए अवध बी ट्रेवन कोर सी कर्नाटक थर्ड है डैश इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस यानी कि इस चैप्टर में हम इंडियन सिविल सर्विस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं तो इनके फादर इंडियन सिविल सर्विस का फादर किसको कहा गया है ए जॉनशोर बी कॉन या सी बेलेसले फोर्थ क्वेश्चन है द फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर वॉज फॉट इन अब हमने थर्ड भी पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में और फोर्थ भी तो चौथी जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी वो कब हुई थी सेवनटीन एटी नाइन बी सेवनटीन नाइन या सी सेवनटीन नाइन ओके सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर में सो so स्टार्ट करते हैं चैप्टर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवेलिस की तो ये गवर्नर जनरल बने थे इंडिया में 1786 में ठीक है सो ही बिकेम द गवर्नर जनरल इन 1786 एंड ही ट्राई टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन देखिए इन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी नॉन इंटरवेंशन की और ये गवर्नर जनरल बने थे 1786 में सो so इन 1793 कॉर्नवेलिस ने एक जो रेवेन्यू सिस्टम है आपका उससे रिलेटेड एक सेटलमेंट स्टार्ट किया था एक लॉ स्टार्ट किया था दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल तो देख लेते हैं परमानेंट सेटलमेंट का क्या मतलब है ठीक है इसमें क्या होता है सो इसमें ऐसा होता है कि जो जमींदार होते हैं उनको कंपनी को एक फिक्स अमाउंट जो है रिवेन्यू का वो पे करना पड़ता है ठीक है the zamindars were required to pay a fixed amount in cash on a fixed date ठीक है as land revenue to the treasury irrespective of what they could collect तो इसमें ये नहीं देखा जाता है कि उन्होंने कितना अमाउंट कलेक्ट किया है कभी ज़्यादा भी किया हो सकता है कभी कम भी किया हो सकता है लेकिन जो उनको कंपनी को रिवेन्यू देना है वो फिक्स होता था और फिक्स डेट पे उनको ये देना पड़ता था तो धीरे धीरे ज़मींदार्स ने क्या किया उन्होंने बहुत सारा जो एरिया है खेती का उससे रिवेन्यू लेना स्टार्ट कर लिया और दे स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी ठीक है दे ब्रॉट मोर एरियाज अंडर कल्टिवेशन और ज़्यादा ये पैसा बनाने लग गए क्योंकि इनको तो कंपनी को एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता था सो दिस वाज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट तो परमानेंट सेटल परमानेंट वर्ड से भी आप समझ सकते हैं परमानेंट मतलब फिक्स्ड अमाउंट और ये फिक्स्ड अमाउंट देते थे, थे ज़मींदार कंपनी को ठीक है तो आप कभी कभी थोड़ा ही नाम से ही इस पूरे जो टॉपिक है उसके बारे में समझ सकते हैं तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था इसकी मेरिट्स क्या थी देखिए मेरिट तो ये थी कि ये सेटलमेंट ये जो सिस्टम था ये जमींदार्स के लिए काफी बेनिफिशियल था एंड दे वर द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड दे बिकेम वेरी लॉयल टू कंपनी तो ज़मीन के ये ओनर हुआ करते थे और क्योंकि इनको फ़ायदा हो रहा है काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो ये कंपनी के काफ़ी वफ़ादार बन गए थे एंड दिस सिस्टम सिक्योर्ड अ फिक्स्ड एंड स्टेबल इनकम फॉर द कंपनी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, था फसल कैसी है अच्छी है बुरी है लेकिन कंपनी को तो फिक्स अमाउंट मिलता था ठीक है तो ये कंपनी के लिए ये जो सिस्टम था ये कंपनी के लिए और साथ ही साथ जमींदार्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था अब इस सेटलमेंट के कुछ डीमेरिट्स भी होंगे है ना तो उन डीमेरिट्स को पढ़ लेते हैं सो जमींदार बिकेम द मास्टर ऑफ द लैंड एंड वर बेनिफिटेड पहली बात तो ये हो डीमेरिट्स हो गए ठीक है भले ही जो ज़मीन है वो किसानों की है लेकिन वो क्या बन गए थे इनडायरेक्टली वो उस लैंड के मास्टर बन गए थे द वोस्ट एफेक्टेड पीपल वर द कल्टिवेटर्स वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द ज़मींदार ठीक है तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुए थे वो थे कल्टीवेटर जो किसान होते थे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उनको होता था क्योंकि उनको ज़मींदार्स की दया भाव दया में ही जीना पड़ता था अगर ज़मींदार को किसान पे दया आ गया है तो वो थोड़ा कम रिवेन्यू लेगा उससे और नहीं अगर वो क्रूर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा एंड आपका परमानेंट सेटलमेंट की वजह से एक और प्रॉब्लम हो रही थी क्या थी वो प्रॉब्लम देखिए परमानेंट सेटलमेंट तो बंगाल में था है ना तो वहाँ से तो आपका एक फिक्स्ड इनकम होती थी गवर्नमेंट की लेकिन गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे थे तो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को दूसरे जो प्रोविंज हैं वहाँ का टैक्स बढ़ाना पड़ता था तो परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में था उसका खामियाजा दूसरे प्रोविंसेस को उठाना पड़ता था और क्या था इसमें कि गवर्नमेंट का जो कांटेक्ट है वो किसानों के साथ तो था ही नहीं ओके जो डायरेक्ट कांटेक्ट कहा जाता है वो गवर्नमेंट का किसानों के साथ बिल्कुल नहीं था देवर इन कॉन्टेक्ट विद जमींदार्स ओके सो so, ये सारा कुछ डिमेरिट था परमानेंट सेटलमेंट का तो हमने देख लिया कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स थी परमानेंट सेटलमेंट में अब देखते हैं क्या इन प्रॉब्लम्स के साथ ही परमानेंट सेटलमेंट आगे भी फ्यूचर में भी चलता रहा या कोई नए लॉज आए ठीक है रिवेन्यू सिस्टम में कुछ चेंजेस आए तो ये सारा कुछ हम देखेंगे क्योंकि हमने परमानेंट सेटलमेंट की मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों देख लिए हैं अब बात करते हैं जो कॉन्वेलिस है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की हमने रिवेन्यू रिफॉर्म्स की बात कर ली है ठीक है उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया था बंगाल में अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे इनके देखिए तो जो कॉर्नवेलिस थे ही वाज द वन जिसने पहली बार न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज सिस्टम लाया था द सिविल सर्वेंट्स वर अपॉइंटेड टू एडमिनिस्ट्रेट द ब्रिटिश टेरिटरीज़ इफेक्टिवली इन इंडिया तो अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज है इंडिया में ब्रिटिशर्स का वो स्टार्ट नहीं हुआ था तो कॉर्नवेलिस ये सिस्टम लेके आए थे कि ये जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहाँ का जो भी काम वग़ैरह है प्रशासन देखने के लिए उन्होंने सिविल सर्वे सावेंट, सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया था ओके एंड ही इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रेज देयर सैलरीज एंड गिव प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार है वो इतना ज़्यादा ना हो इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया था जो भी ये सिविल सर्वेंट्स होते थे उनकी पहले से ही उन्होंने सैलरी रेज़ कर रखी थी ठीक है अच्छी उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती थी और अगर वो अच्छा काम करते थे तो उस बेसिस में उनके मेरिट के बेस में उनको प्रमोशंस भी दिए जाते थे तो इस वजह से जो भ्रष्टाचार है वो कम होता रहता है आदमी उसको अच्छी इनकम तो मिल ही रही है ऊपर से उसमें एक लालसा होती है प्रमोशन पाने की अगर वो अच्छा काम करते रहे तो इसी वजह से सिविल सर्वेंट्स जो थे वो अच्छा काम करते थे ठीक है और ये बहुत ही अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से कॉर्नवॉलिस के द्वारा लाया गया था फिर है जो द एम्प्लॉयज वर नॉट परमिटेड टू कैरी ऑन प्राइवेट रेट। और जो भी एम्प्लॉयज होते थे ठीक है कंपनी के उनको कोई भी ये परमिशन नहीं थी कि वो प्राइवेट रेट कर सकें ऑल हाई पोस्ट विजर्व ओनली फॉर द इंग्लिश और इसमें एक चीज़ क्या थी कि जितने भी हाई पोस्ट हैं वो उसमें जो सीनियर हैं वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही होंगे इंग्लिश पर्सन ही हाई पोस्ट में होगा और इंडियंस को अलॉट होंगी पोस्ट लेकिन वो क्या होंगे उनके सबॉर्डिनेट्स होंगे जो छोटे तबके की पोस्ट हैं वो इंडियंस के लिए थी और हायर पोस्ट रिजर्व होती थी इंग्लिश के लिए ठीक है तो ध्यान में रखिए कि पहली बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस सिस्टम लाए थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवेलिस पुलिस रिफॉर्म्स पुलिस रिफॉर्म्स अभी तक आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ऐसे रिफॉर्म आए नहीं थे ठीक है तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस के अंडर ही यहाँ पे कॉर्नवेलिस है ये सो so, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के अंडर ही जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो लाए गए थे ही क्रिएटेड अ परमानेंट पुलिस फोर्स इन इंडिया द डिस्ट्रिक्ट वर डिवाइडेड इन टू थाना तो पहली बार जो आपका ये पुलिस फोर्स है परमानेंट पुलिस फोर्स का जो सिस्टम है ये लॉर्ड कॉर्नवेलिस लाए थे और जितने भी डिस्ट्रिक्ट वो थाने जो होते हैं थाना जो होते हैं उनमें डिवाइडेड थे और हर थाना में एक हेड होता था जिसको कहा जाता था दरोगा सो एज इन द सिविल सर्विसेज इन द पुलिस डिपार्टमेंट्स टू द इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हायर पोस्ट और पुलिस डिपार्टमेंट में भी इंडियंस को हायर पोस्ट नहीं दी गई थी ठीक है तो यहाँ पे भी ये ध्यान रखिए कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस ही थे जो पुलिस रिफॉर्म्स लाए थे जुडिशियल रिफॉर्म्स देखते हैं सो ही इम्प्रूव द जुडिशरी तो देखते हैं कैसे इन्होंने जुडिशरी को इम्प्रूव किया द कलेक्टर वॉज़ ऑफ हिज जुडिशियल ड्यूटीज़ तो जो कलेक्टर हुआ करते थे जिनको जुडिशियल ड्यूटीज़ भी दी जाती थी उनको एक तो जो रिवेन्यू कलेक्शन था वो भी देखना होता था साथ में उनकी जो जुडिशियल ड्यूटी थी वो भी करनी होती थी लेकिन लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने ये जो ड्यूटी है इनकी ये हटा दी थी ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवेन्यू कलेक्शन ओनली अब उनको सिर्फ एक ही काम था रिवेन्यू कलेक्शन का सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स व सेटअप एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिविल और क्रिमिनल कोर्ट दोनों ही सेटअप कर दी गई थी प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील वर सेटअप एट दाका कलकत्ता मुर्शिदाबाद एंड पटना तो प्रोविंशियल कोर्ट्स भी ठीक है सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के साथ साथ कुछ जगह ही थी जैसे कि ढाका कलकत्ता मुर्शिदाबाद और पटना जहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट्स भी इस्टैब्लिश कर दी गई थी तो प्रोविंशियल कोर्ट्स किसने इस्टैब्लिश करवाई थी लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने कॉर्नवेलिस इंक्रीज द सैलरी ऑफ द जजेस टू चेक ब्राइबरी एंड करप्शन और इनका ये जो तरीका था सैलरी इंक्रीज़ कर देने का जो इनके एम्प्लॉयज़ थे जो भी जैसे जजेस हैं सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी इंक्रीज़ कर देते थे ताकि जो आदमी हैं अब वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड रहे और करप्शन ना करे ना ही कोई ब्राइब ले सो so, इसीलिए लिए इन्होंने क्या किया एक तो सैलरी इंक्रीज़ करी और तो और ही अबॉलिश कोर्ट फीस इन्होंने जो कोर्ट फीस थी वो भी ख़त्म कर दी अ न्यू कोड ऑफ रेगुलेशन नोन एक कोड भी इनके नाम पे बना था रेगुलेशन का जिसे बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड इट वाज कंपाइल्ड इन 1793 बाय सर सर जॉर्ज बार्लो ओके तो कॉर्नवालिस कोड भी एक कोड ऑफ रेगुलेशन सेट सेटअप किया गया था कंपाइल किया गया था कॉर्नवालिस के नाम पे। ओके okay, सो so ये सारे थे इनके जुडिशियल रिफॉर्म्स रिवेन्यू रिफॉर्म्स एक तो हमने देख ही लिया परमानेंट सेटलमेंट का और भी इन्होंने क्या क्या किया वो भी देख लेते हैं ही रीऑर्गेनाइज द रिवेन्यू डिपार्टमेंट रिवेन्यू डिपार्टमेंट जो कि बनाया गया था वॉरन हेस्टिंग्स के द्वारा भी उसको इन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया क्या करवाया इन्होंने देखिए सेवनटीन एटी सेवन में द प्रोविंस ऑफ बेंगाल वॉज डिवाइडेड इन टू मैनी एरियाज़ एंड ईच एरियाज वॉज़ प्लेसड अंडर अ कलेक्टर तो बंगाल के जो प्रोविंसेस थे उनको बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया और हर जो एरिया है उसमें एक कलेक्टर को अपॉइंट किया गया फॉर कलेक्टिंग द रिवेन्यूज ही इस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ़ रिवेन्यू टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द कलेक्टर और कलेक्टर्स के वर्क को सुपरवाइज करने के लिए एक और बोर्ड इस्टेब्लिश किया द बोर्ड ऑफ़ रिवेन्यू ओके तो पहले इन्होंने क्या और भी क्या किया था कलेक्टर्स का जो जुडिशियल वर्क था उसको ख़त्म किया इनको सिर्फ रिवेन्यू पे ही ध्यान देना था साथ ही साथ इनके काम को देखने के लिए नॉन या सुपरवाइज करने के लिए कहें एक और बोर्ड ऑफ रिवेन्यू इस्टेब्लिश कर दिया था सो so, ये था इनका रिवेन्यू रिफॉर्म्स इन्होंने कुछ कमर्शियल रिफॉर्म्स भी किए थे सो कॉर्नवॉलिस रिवाइव द ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंडियन मर्चेंट्स एंड इम्प्रूव ट्रेड एंड कॉमर्स तो पहले की जो पुरानी ये टेक्निक होती थी प्रैक्टिस होती थी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता था ट्रेडर्स और व्यापारीज के साथ ता कि ताकि उनकी प्रॉब्लम समझ सकें वो और जो मुनाफा है वो दोनों ही कमा सकें ठीक है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था तो ये थे इनके कमर्शियल रिफॉर्म्स और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने की वजह से ट्रेड और कॉमर्स में भी क्या होता है इम्प्रूवमेंट होता है तो हमने बात कर ली है लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने जितने भी रिफ़ॉर्म्स लाए हैं पुलिस रिफ़ॉर्म्स जुडिशियल रिफ़ॉर्म्स रिवेन्यू कमर्शियल ठीक है ये सारे रिफॉर्म्स हमने देख लिए लॉर्ड कॉर्नवेलिस के अब मैंने ये भी बताया था कि बैकग्राउंड में जो अदर प्रोविंशियल स्टेट्स हैं उनके साथ भी काफ़ी काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं ब्रिटिशर्स की तो अभी हम इन वॉर्स के बारे में भी पढ़ेंगे सो so, बात करते हैं टीपू सुल्तान की आपको पता है टीपू सुल्तान कौन थे हैदर अली के बेटे थे तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हमने पढ़ी थी वहाँ पे इनके बारे में देखा था सो so, टूपू सुल्तान जो थे इनका जन्म हुआ था 1753 में नियर मैसूर ओके okay. एंड ये अपने फादर की ही तरह बहुत ही इंडस्ट्रियस रूलर थे एंड ये इनके फादर तो लिटरेट थे लेकिन ये वेल एजुकेटेड थे एंड ही वॉज अ ग्रेट सोल्जर ऑल्सो ही वॉज़ अगेंस्ट द प्रजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया तो उनको जो ब्रिटिश British, ब्रिटिशर्स का जो प्रेजेंस है इंडिया में वो बिल्कुल पसंद नहीं था वो चाहते थे कि ये ब्रिटिशर्स इंडिया से भाग जाएँ ठीक है इनको यहाँ से निकाल दिया जाए सो ही ऑल्सो बिल्टेड मैनी स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स तो इन्होंने बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग किला जो होते हैं किलेस वो भी बनवाए जैसे कि दुर्ग है एक बहुत फेमस किला इनके द्वारा बनाया हुआ ठीक है लाइक दुर्ग टू डिफेंड ऐस किंगडम ही वॉज़ अ लवर ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर ठीक है तो ये आर्किटेक्चर और आर्ट को काफ़ी ज़्यादा वो करते थे फ़ैन थे इसके और काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड काम वगैरह ये करवाते थे सो so, टीपू सुल्तान वॉज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइगर ऑफ मायसूर तो टाइगर ऑफ़ मैसूर जो कहा जाता है वो कहा जाता है टीपू सुल्तान को एंड बाद में युद्धों के दौरान जब बाद में इनकी मृत्यु हुई तो इनको बरी किया गया था इनकी कैपिटल श्रीरंग पट्टनम में ओके तो देखते हैं टीपू सुल्तान के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उन सब के बारे में देख लेते हैं द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इसका टाइमलाइन है 1790 से लेकर 1792, सो so, टीपू वांटेड टू देखिए जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उसमें इनके पिता की बीच में मृत्यु हो गई थी तो वो वॉर इन्होंने कंटिन्यू करी थी ठीक थी? है और ब्रिटिशर्स के साथ क्या हुई एक ट्रीटी भी हुई थी उसके बाद अब देख लेते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ ये वॉर एक्चुअली हुई क्यों सो so, टीपू वांटेड टू इम्प्रूव हिज पोजिशन बाय ड्राइविंग द इंग्लिश आउट ऑफ इंडिया हमें पहले हमने पढ़ लिया है कि ये ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उनको ये इंडिया से बाहर भेजना चाहते थे सो so, इन्होंने इसी लिए इसी कारणवश इन्होंने टर्की और फ्रांस से हेल्प मांगी सो कॉर्नवेलिस बिलीव दैट टीपू हैविंग एलाइड विद द फ्रेंच वुड स्ट्राइक अगेंस्ट द इंग्लिश और इसकी भनक कॉर्नवेलिस को लग गई थी टू चेक टीपू सुल्तान द इंग्लिश फॉर्म्ड अलायंसिस विद द निज़ाम एंड द मराठास तो टीपू सुल्तान को हराने के लिए कॉर्नवेलिस ने क्या किया निज़ाम और मराठास से अलायंसेज बना लिए टीपू ने टर्की और फ्रांस से हेल्प मांगी ओके okay. और कॉर्नवेलिस uh, ने इंग्लिश ने निज़ाम और मराठा से अलाइंस बना ली सो so, टीपू अटैक ट्रेविन कोर अ फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश तो जो ट्रेविन कोर प्लेस है वो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स का अच्छे फ्रेंडली रिलेशन थे ब्रिटिशर्स के उनके साथ तो टीपू ने पहले इन पे अटैक किया सो द इंग्लिश डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट टीपू सुल्तान इन 1790 और इसी के फलस्वरूप ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट 1790 में वॉर डिक्लेयर कर दी और बाद में टीपू क्या हो गए श्रीरंगपट्टनम में हार गए ठीक है और जो थर्ड मायसूर वॉर है एंग्लो मायसूर वॉर ये ख़त्म हो गई विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम और ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी 1792 में टीपू सुल्तान और कॉर्नवेलिस के बीच में ओके सो दिस वाज अबाउट द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इसके बाद हमने लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बारे में पढ़ लिया है जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी वो भी जान लिया हमने एक और नए जो गवर्नर जनरल हैं अगले उनके बारे में देख लेते हैं सो so, इनका नाम है लॉर्ड वेलेसले तो कॉर्नवेलिस के बाद सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड ही वॉज सबसीडेड बाय लॉर्ड वेलिस तो कॉर्नवेलिस के बाद जॉन शोर आए और जॉन शोर के बाद आए लॉर्ड वेलेस्ली। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ़ एक्सपेंशन तो इनकी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी जबकि कॉर्नवेलिस और जॉन शोर की पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशन की सो ही एक्सटेंडेड द ब्रिटिश टेरिटरीज थ्रू सब्सिडरी अलायंसेस देखिए ये जो सब्सिडरी एलायंस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको इसके बारे में जानना चाहिए हम इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे सो so, ये जो सब्सिडरी एलायंस है इसकी पॉलिसी किसने स्टार्ट करी थी लॉर्ड वेलिस ने देखिए ये चाहते थे एक्सपेंशन करना और एक्सपेंशन का सबसे अच्छा तरीका था इनकी नज़र में सब्सिडरी अलायंस तो ये सब्सिडरी अलायंस होता गया है अब देखिए सो so, लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने ये सब्सिडरी एलायंस का सिस्टम जो है ये स्टेब्लिश किया था इंडियन रूलर्स को ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में करने के लिए ठीक है अब ये जो सब्सिडरी अलाइंस का सिस्टम है ये काम कैसे करता था देखिए इसके क्या फ़ीचर थे ब्रिटिशर्स कहते थे कि अगर आपने ये सिस्टम साइन कर लिया तो अब आपको अपनी खुद की आर्मी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है जो भी अगर एक्सटर्नल अटैक होते हैं आपके ऊपर तो उससे हमारी आर्मी यानी कि ब्रिटिश आर्मी आपकी रक्षा करेगी और इस आर्मी का जितना भी मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो आपको देना होगा और ये खर्चा कैसे दिया जाता था या तो इंडियन रूलर को अपनी टेरिटरी देनी पड़ती थी ठीक है या फिर एज अ कैश ठीक है कैश के रूप में उनका खर्चा देना पड़ जाता देखिए टेरिटरी दे देते तो टेरिटरी से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो सारा आर्मी के खर्चों पे जाता था सो ये तरीका था इनके आ, आर्मी के मेंटेनेंस का तो इस सब्सिडरी अलायंस को साइन करने के बाद जो भी इंडियन रूलर है ही कूडन फाइंड फाइट और ना ही वो कोई ट्रीटी साइन कर पाते थे दूसरे पावर के साथ ठीक है कोई अलायंस नहीं बना सकते थे इनके सीधे सीधे जो हेड हो गए थे वो कौन थे ब्रिटिशर्स हो जाते थे क्योंकि ना इनके पास तो ख़ुद की आर्मी नहीं नहीं है है ना तो ये कोई भी कोई भी ना तो इनसे फिर ट्रीटी भी साइन नहीं करवाएगा जो भी है अलाइंसिस नहीं बनेंगे इनके तो पूरी तरीके से ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए थे एंड इस सिस्टम की वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था अब उनकी जो आर्मी है वो वो आराम से इंक्रीज कर सकते थे क्यों क्योंकि इस आर्मी का जो ख़र्चा है वो तो लोकल प्रिंसेस को देना है ठीक है जितने भी इंडियन रूलर हैं वो ख़र्चा तो उनको उठाना है तो उनको जितनी मर्ज़ी वो अपनी आर्मी को बढ़ा सकते थे सो so, ये सब्सिडरी अलाइंस की वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ था इनके एक बार अच्छे से मेरिट्स देख लेते हैं सो so, पहला मेरिट क्या है कि अब जो भी खर्चा है हमने बात कर लिया है इसकी ये कौन उठाएंगे इंडियन रूलर्स उठाएंगे आर्मी की प्लस इंग्लिश सुप्रीम पावर बन गए थे इंडिया में दूसरा दे बिगेन टू कंट्रोल द फॉरन पॉलिसी ऑफ द नेटिव स्टेट देखिए ये जो फॉरन पॉलिसी है ये आप तभी बना सकते हो जब आपके पास पावर है, है ना तो पावर तो इंडियन रूलर्स की ब्रिटिशर्स के पास चले गई थी इनके पास था पूरा डिफेंस का तो जिसके पास डिफेंस है वो ही पावरफुल है और जो भी फॉरन फॉरन पॉलिसीज हैं उसका निर्णय भी कौन लेंगे ब्रिटिशर्स ही लेंगे तो फॉरन पॉलिसी का सारा डिसीजन अब ब्रिटिशर्स के हाथ में हो आ गया था और तो और जो फ्रेंच से थे ठीक है हमने फ्रेंच के बारे में पढ़ा है ये इंडियन स्टेट से टोटली एक्सक्लूड कर दिए गए थे ठीक है क्योंकि एक तो ये वैसे ही इंग्लिश के एनिमीज़ थे अब अगर इस स्टेट में जो ब्रिटिशर्स है उनका इतना दबदबा है सब कुछ इनके हिसाब से होता है तो ये क्यों फ्रेंच को उस जगह पे रहने देंगे तो फ्रेंच तो आराम से एक्सक्लूड कर दिए गए थे प्रिंसली स्टेट से ठीक है एंड जो एक्सटेंट था ब्रिटिश अम्पायर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि सब्सिडरी अलाइंस बन गए थे ब्रिटिशर्स के इसकी डीमेरिट्स क्या थी डीमेरिट्स अफकोर्स इंडियन रूलर्स के लिए ही थीं वो अपना जो प्रेस्टीज़ है डिग्निटी है वो सब खो चुके थे और तो और बोथ द ब्रिटिश एंड द नेटिव रूलर नेगलेक्टेड द वेलफेयर ऑफ द पीपल और साथ ही साथ ये जो सब्सिडरी अलायंस है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह थी किसके लिए जो प्रजा है उसके लिए ठीक है प्रजा की फ़िक्र ना तो ब्रिटिशर्स को थी ना ही इंडियन रूलर्स को थी ठीक है तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जिसका होता है वो नेटिव पीपल्स का होता है सो दीज वर द मेरिट्स एंड डी अबाउट द सब्सिडरी अलायंसेस और सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम कौन लाए थे लॉर्ड कॉर्नवेलिस अब देखते हैं कि वो कौन कौन से इंडियन रूलर्स थे जो कि जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन की थी ठीक है सो so, सबसे पहले जो थे वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज़ द फर्स्ट टू एंटर इनटू द सब्सिडरी अलायंस विद द इंग्लिश फिर कौन थे द नवाब ऑफ अवध दे वर फोर्स बाय बेले टू एंटर इंटू सब्सिडरी अलायंसेस अगले थे पेश पेशवा बाजी राव टू ऑल्सो एंटर्ड इंटू द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश तो स्टार्टिंग के जो तीन हैं वो हैं निज़ाम ऑफ़ हैदराबाद नवाब ऑफ अवध एंड पेशवा बाजी राव टू तो इस ये जो टॉपिक है सब्सिडरी अलायंस का इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ेंगे हायर क्लासेस में ठीक है अभी ये क्योंकि क्लास एट की बुक है तो इसमें अभी इतना ज़्यादा नहीं दिया है लेकिन इसके बारे में काफ़ी कुछ है आपको पढ़ने को मिलेगा हायर क्लासेस में ना लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर तो हमने तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ा था ट्रिटी ऑफ श्री रंग पट्टनम हुई थी सो द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट इन सेवनटीन नाइनटी नाइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द टीपू सुल्तान सो टीपू सुल्तान वॉन्टेड टू रिकवर हिज टेरिटरीज विच ही लॉस्ट इन दर्ड मैसूर वॉर तो हमने देखा था टीपू सुल्तान तो हार चुके थे तो अब उनको चाहिए था कि जितनी भी टाइटरीज़ उन्होंने खोई हैं वो उनको वापस रिकवर करना चाहते थे और साथ ही साथ इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया था ब्रिटिशर्स का यही था जो भी जो इंडियन रूलर था वो हार जाता था उनसे तो वो ट्रिडी के अंडर क्या करते थे उनको ये सब्सिडरी अलायंस को साइन करने के लिए बोलते थे लेकिन टीपू सुल्तान भी हारे थे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में लेकिन उन्होंने सब्सिडरी अलाइंस को साइन करने से मना कर दिया था सो so, टीपू सुल्तान सेट अमिशरीज टू काबुल, काबुलस्टेंटिनोपल अरेबिया एंड फ्रांस टू गेट दियर सपोर्ट अगेंस्ट ब्रिटिश तो इन्होंने फिर से जो फॉरेन रूलर्स थे उनसे हेल्प मांगी सो वॉर बिकम इन एविटेबल बिटवीन टीपू एंड द ब्रिटिश तो टीपू और ब्रिटिश जो हैं इनके बीच में अब वॉर तो फिर से फाइनल ही थी सो so, फिर से टीपू हार गए थे एट मालवली में एंड ही डाइड ऑन फोर्थ मे सेवनटीन नाइन्टी नाइन और ये फोर्थ में सेवनटीन नाइन्टी नाइन को इनकी मृत्यु हो गई थी वाइल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंग रंगपटनम ठीक है जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी वहाँ पे जो ट्रीटी हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी के नाम से ही जानी जाती थी और फोर्थ वॉर के टाइम पे ये इसी अपनी कैपिटल को बचाने के चक्कर में इनकी डेथ हो गई थी सो so, इनकी डेथ के बाद ही ये जो वॉर है ये ख़त्म हो गई थी 1799 में द इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज ऑफ कन्नार कोयम्बटोर एंड श्री रंगपट्टनमैक्स बाय द ब्रिटिश तो क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी तो जो इम्पोर्टेंट टेरिटरीज थी टीपू सुल्तान की वो फिर से किसने एनेक्स कर दी थी ब्रिटिशर्स ने एंड इस वॉर के बाद जो मुस्लिम रूल है मैसूर में वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था एंड द ब्रिटिश द स्ट्रोंगेस्ट पावर इन साउथ इंडिया और साउथ इंडिया में ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट बन गए थे इनकी जो पावर थी सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट थी साउथ इंडिया में नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ठीक है तीसरी जो एंग्लो मराठा वॉर है हमने पहली एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में जो लास्ट वीडियो आई थी अब देख लेते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पेशवा बाजीराव टू एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश एंड एंड ही साइन द ट्रिटी ऑफ बेसिन इन एटीन हंड्रेड टू ठीक है तो ये तो सब्सिडरी अलायंस बन गए थे ब्रिटिशर्स के और ही ऑल्सो साइन द ट्रिटी ऑफ बेसिन द मराठा लीडर सिंधिया एंड भोसले रिफ्यूज टू एक्नोलेज हिस ट्रिटी दिस ट्रिटी सो दे जॉइन टूगेदर एंड अटैक द ब्रिटिश तो जो बाकी लीडर्स थे मराठा के उनको ये बात पसंद नहीं आई कि आपने कैसे आप सब्सिडरी अलाइंस बन गए हो ब्रिटिशर्स के तो उन्होंने ये ट्रिटी को मानने से इनकार कर दिया एंड ये सब एक साथ मिल गए ब्रिटिशर्स को हराने के लिए लेकिन एटीन हंड्रेड थ्री में क्योंकि हम देख सकते हैं ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी तो इसीलिए फिर से जो मराठाज हैं वो एटीन हंड्रेड थ्री में हार गए थे एंड एज अ रिज़ल्ट मराठास की जो पावर है वो भी बहुत वीक हो गई थी एंड द इंग्लिश एक्सपांडेड द पावर एंड अथॉरिटी अब ब्रिटिशर्स ने मराठा की जो टेरिटरीज थी वहाँ भी अपना एक्सपांशन कर लिया था अब इन जितना भी हमने होल सिनेरियो देखा इसका एस्टीमेट देखते हैं ज़रा सो वेलिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ़ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये तो हमने देख लिया है क्योंकि यही जो पॉलिसी लाए थे ये सब्सिडरी अलाइंस की इसकी वजह से ब्रिटिश अम्पायर काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड कर पाया था एंड ही ऑल्सो डिफीटेड टीपू सुल्तान जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर थे सोल्जर थे एंड हम्बल द मराठास ही ट्रांसफर ही ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिंग इंग्लिस ईस्ट इंडिया कंपनी इंटू अ स्ट्रॉग पोलिटिकल पावर इन इंडिया ये बात बिल्कुल सही है जो कि इंग्लिस ईस्ट इंडिया कंपनी है जो अभी तक मोस्टली ट्रेडिंग तक ही सीमित थी इसको इन्होंने एक पोलिटिकल पावर बना दिया था इंडिया में तो बेलसले के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा uh, जो है पावर गेन कर ली थी ओके पॉलिटिकल पावर स्पेशली, सो वेलेसले के बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर में एंड लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बारे में सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने थोड़े देखे थे इनका इनके आंसर्स देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवेलिस बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन डैश ए सेवेंटीन ऐटी सिक्स बी सेवनटीन एटी सेवन या सी सेवनटीन ऐटी एट तो आपका राइट आंसर है सेवनटीन ऐटी सिक्स सेकेंड है ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मायसूर वॉर टीपू अटैक्ड डैश तो तीसरी जो एंग्लो मायसूर वॉर हुई थी इसमें टीपू ने कौन से साउथ इंडिया के स्टेट को अटैक किया था येस योर राइट ट्रेवन कोर ठीक है थर्ड आपका क्वेश्चन है डैश इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ़ इंडियन सिविल सर्विस तो इंडियन सिविल सर्विस के बारे में हमने सबसे पहले कब पढ़ा था जब हम लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बारे में पढ़ रहे थे तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कौन होंगे ए जॉन शोर बी कॉर्नवेलिस या सी वेलिस ऑब्वियस है लॉर्ड कॉर्नवेलिस फोर्थ है द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट इन तो जो चौथी एंग्लो मैसूर वॉर थी चौथी और आखिरी एंग्लो मैसूर वॉर थी ये कब लड़ी गई थी ए सेवनटीन एटी नाइन बी सेवनटीन नाइन्टी नाइन या सी सेवनटीन नाइन तो आपका करेक्ट आंसर है बी सेवनटीन नाइन्टी नाइन ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड इफ़ यू लाइक दिस लेसन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल